हाय, दिस इज शिव एंड यू आर वाचिंग मरीन लाइफ विद शिव। सो गाइस, आज के टॉपिक में हम लोग चलते हैं और जानते हैं हमारे सैंड बैंड को किस तरीके से मेंटेन रखना है, बिना साफ किए, बिना कुछ किए, टेंशन फ्री, सो दैट आपका टैंक बायोलॉजिकली मेंटेन रहे। क्योंकि समुंदर में कोई जाके साफ नहीं करता है, वहां पे जो चीज होती है वो कुदरती होती है। तो आपके टैंक में कुदरती किस तरीके से आपके टैंक को मेंटेन करना है, आज के वीडियो में हम लोग चल के जानेंगे। तो स्टे ट्यून, बने रहिए। चाहते हैं कि आपकी सैंड मेंटेन रहे बिना कुछ किए, तो आज के वीडियो में हम लोग चलेंगे और जानेंगे कि सैंड को हमें किस तरीके से सही रखना है। क्योंकि हमारे टैंक में नाइट्रेट फॉस्फेट लेवल बढ़ जाता है अगर जो आप सैंड ज्यादा रखते हैं और सैंड को मेंटेन नहीं रखते हैं। तो किस तरीके से सही से ध्यान रखना है, मरीन टैंक सेटअप किस तरह से किया जाता है, अगर जो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो दैट आप ये मरीन टैंक किस तरीके से हमने बनाया, क्या क्या स्टेप्स किस तरीके से हमने फॉलो किए, आप जान सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक्स है, आप जाके देखिएगा। तो चलते हैं और जानते हैं आज का टॉपिक जो कि है सैंड, उसको किस तरीके से मेंटेन करना है। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर जो आप फॉरवर्ड करते हैं तो आप कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत बारीकी होते हैं, आपको ध्यान देने हैं उसको। अगर जो आप नहीं ध्यान दोगे तो आप किस तरीके से आपके टैंक को मेंटेन रखोगे। सो डोंट फास्ट फॉरवर्ड एंड वॉच द वीडियो। सबसे पहले हम चल के जान लेते हैं कि हमारी जो सैंड है वो इस तरीके से गंदी क्यों होती है। ग्रीन, पर्पल, रेड कलर की एल्गे सैंड के ऊपर इस तरह से जमा हो जाती है। और आपकी सैंड अगर जो आपको इस तरह से मेंटेन रखनी है तो उसके लिए क्या क्या करना है। हमारे टैंक में सैंड गंदी इसलिए हो जाती है क्योंकि हम लोग ओवरस्टॉक रखते हैं, यानी कि आपके टैंक के साइज के हिसाब से हम ज्यादा मच्छी डाल देते हैं, उसको ओवरफीड करते हैं, ज्यादा खाना देने के कारण फिश कम खाना खाती है और जो खाना बच जाता है वो जाके सैंड में रुक जाता है। उसके बाद आपकी मच्छियां जो एक्सक्रीशन करती है, यानी कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू वो पी और प्यूप करती है, वो आपके टैंक में डिसॉल्व हो जाता है और वो जाके सैंड में सेटल हो जाता है। तो उस सैंड को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। नेचुरली, क्योंकि जब आप वाटर चेंज करते हैं तो वो टाइम पे आप साइफनिंग करते हैं, साइफनिंग के साथ सैंड साइफनिंग करेंगे, तो सैंड में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, वो उस सैंड के थ्रू बाहर चले जाते हैं। तो उसको मेंटेन रखना है, उसको सही से संभाल के रखना है, आपके टैंक को मेंटेन रखना है, सो दैट आपके टैंक में नाइट्रेट लेवल हाई ना हो, आपका टैंक मेंटेन रहे। उसके लिए क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आज चल के हम लोग डिस्कस करते हैं। आपके टैंक में बिना कुछ किए आपका टैंक नेचुरली कैसे मेंटेन रहे, सैंड कैसे क्लीन रहे, चल के जानते हैं। सबसे फर्स्ट इन्वर्टिब्रेट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, दैट इज सैंड शिफ्टिंग स्टार। ये जो सैंड शिफ्टिंग स्टार है ये आपकी सैंड को मेंटेन रखता है। आपकी 2 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच mm लेयर हो तो उसको ये अच्छी तरह मेंटेन करता है। ये सैंड बेड के अंदर चले जाता है, नीचे से सैंड को ऊपर उठाता है और सरफेस पे लेके आता है, यानी कि नीचे जाके डिप करके नीचे की सैंड को ऊपर लेके आता है। नाउ जब नीचे की सैंड ऊपर आ जाती है तो ऊपर हमारी जो सैंड गोभी है, ये जो आप डिस्प्ले में देख रहे हो सैंड गोभी, हमारे टैंक में जो ऊपर सैंड आई होती है उसको खाती है और उसके ऊपर छोटी छोटी जो एल्गे उगी होती है सैंड के ऊपर उसको क्लीन करती है। इस तरीके से जो सैंड शिफ्टिंग स्टार सरफेस पे सैंड को लाके छोड़ता है
उसको सैंड गोबी अपने लंग्स में अपने माउथ में खा के उसके ऊपर जो एल्गे अनवांटेड आता है उसको वो खाती है और सरफेस पे वापस छोड़ देती है। नेक्स्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा हर्मिट क्रैब्स। हर्मिट क्रैब आपके टैंक में हमेशा खाते रहते हैं। अनवांटेड डेड पार्टिकल्स जो भी रहते हैं आपके टैंक में वो उसको क्लीन करते रहते हैं। आप ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप आपके टैंक में रीफ सेफ हर्मिट क्रैब डालें सो दैट वो आपके टैंक में अनवांटेड एल्गे अनवांटेड ईटन फूड को खाते रहें और उसको आपकी सैंड बेड में जाने से बचाएं। तो आपके टैंक में इन्वर्टिबेट्स डालना बहुत ज़रूरी है। आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें अच्छे नहीं लगते इन्वर्टिबेट्स रखना, शो में अच्छे लगते हैं, लेकिन आपके टैंक को मेंटेन करने के लिए इन्वर्टिबेट का बहुत उपयोग है गाइस। एंड नाउ लास्ट नॉट बट द लीस्ट, सबसे बेस्ट चीज है सी ककुम्बर। सी ककुम्बर एक ऐसी चीज है गाइस, जैसे कि हमारा रिफ्यूजम फिल्टर है, हमारा सम फिल्टर है, उसी तरीके से हमारे सी ककुम्बर के अंदर सेक्शंस होते हैं, उसके बॉडी के अंदर फिल्टर चेंबर्स होते हैं। एक पार्ट से दूसरे पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में हमारी सैंड अच्छी तरह से वो खा लेते हैं। देखिए उसके सामने जो स्टूल्स हैं, उसके सामने जो उसके दांत हैं, उसके सामने जो उसके माउथ है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप देख रहे हैं 15-20 उसके माउथ में से स्टिंग्स निकले हुए हैं जिसकी मदद से वो सैंड को खा रहा है। सैंड को खाने के बाद उसके बॉडी में सैंड जाती है और वहां पे बॉडी के अंदर उसके जो चेंबर्स हैं, जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है उसका, उसको खा के वो अपने बॉडी से बाहर निकालता है और सैंड को क्लीन रखता है इस तरीके से। सो इस तरीके से सी ककुम्बर आपके टैंक में सैंड को खाता है और अपने बॉडी से इस तरीके से निकालता है, एक जगह पे इकट्ठा करता है। अब जहां से उसने सैंड खाई है और जहां उसने ड्रॉप की है, आप सैंड का कलर देख लीजिए। सैंड आपकी क्रिस्टल क्लियर रहती है, आपकी सैंड बिल्कुल साफ रहती है। इस तरीके से अगर जब आप अपने टैंक में इन्वर्टिबेट्स को सही से रखोगे तो आपके टैंक में सैंड मेंटेन रहेगी। आपको टैंक को साइफनिंग के टाइम पे, क्लीनिंग के टाइम पे आपके सैंड बेड को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो दैट आपके टैंक में जो बैक्टीरिया लेवल है वो बैलेंस रहे। यस, आपके सैंड के अंदर वांटेड बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके टैंक के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आप इन्वर्टिबेट्स रखिए सो दैट वो आपके टैंक को मेंटेन रखे। आपके टैंक में नाइट्रेट लेवल नहीं बढ़ेंगे तो आपका टैंक मेंटेन रहेगा। इन इन्वर्टिबेट्स को सही से रखिए, टेम्परेचर सही दीजिए, ना कि आप लेके आए और उनको ना टेम्परेचर सही दे और ना एनवायरमेंट सही दे और वो मरे, सो दैट ये हॉबी आपकी अच्छी तरीके से चले। इस तरीके से आप अपने सैंड को मेंटेन रख सकते हैं गाइस। यस, आपको सैंड को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये तीन चीज आपके टैंक में डालिए, चारों चीजों को, आपके टैंक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। रियली सैंड गोबी, हर्मिट क्रैब, सी ककुम्बर, सैंड शिफ्टिंग स्टार्स, दीज आर द मेन थिंग्स टू मेंटेन योर सैंड। आपके टैंक में एल्गे और कोई भी सैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ये मेरे 16 साल का एक्सपीरियंस है गाइस, और मैं सैंड बेड को कभी नहीं छेड़ता हूँ, मैं उनको साफ नहीं करता हूँ। इस तरीके से मेरा सैंड बेड मेंटेन रहता है। ये देखिए क्लीन सैंड, इस तरीके से मेंटेन रख सकते हैं आप। सो होप गाइस आज का वीडियो आपको सही से समझ में आया होगा। अब आप अपने टैंक में आपकी सैंड को मेंटेन कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू ऐड इन्वर्टिबेट्स, राइट, इनको आप ऐड कीजिए सो दैट आपके टैंक में सब कुछ मेंटेन रहे, राइट गाइस। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए हैप्पी मरीन लाइफ।